नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW सॉल्यूशन के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि YMW सॉल्यूशन के माध्यम से आपको समय समय पे नए नए बिजनेस के आइडिया के जो है वीडियो सर्व किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बनाना पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ग्लोबल मार्केट में बनाना पाउडर का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने के कारण जो है ये बिजनेस जो है काफ़ी चलन में है और आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक YMW सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो आप जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स आने वाले जितने भी नए नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करें कि बनाना पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास में उस बिजनेस की रिकॉर्डिंग यानी कि जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास में पूरा कंप्लीट जो है DPR होना चाहिए, जिसमें आपका सर्वे रिपोर्ट यानी कि मार्केट सर्वे रिपोर्ट जो है आपके पास में होना अनिवार्य है। अगर आपके पास में DPR और सर्वे रिपोर्ट नहीं है तो फ्रेंड्स आप उस बिजनेस में जो है थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि जो भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं अगर उस बिजनेस के रिगार्डिंग आपके पास में मार्केट सर्वे रिपोर्ट नहीं रहेगा तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जो है आपका एक ब्लाइंड पोर्शन रहेगा। आपको समझ में नहीं आया कि अगर उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपका एंड कंज्यूमर कौन होगा, आपके मार्केट में कितना डिमांड है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट साइज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स मार्केट साइज के बारे में पता होगा तो आपको पता चल पाएगा कि उसका मार्केट में कितना पोटेंशियल है। तो देखिए, यहां पे अगर आप बनाना पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बात करें तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि साल 2024 में जो है इसका जो अभी करंट की मैं बात कर रहा हूं, अभी जो इसका मार्केट साइज है $1200 million है और ये जो आंकड़ा है साल 2028 तक जो है ये 2000 को टच कर जाएगी, यानी फ्रेंड्स $2000 million को टच कर जाएगी। इसके साथ साथ आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि ये जो है हर एक साल 8% के CAGR से ग्रोथ करी, यानी कि फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि बनाना पाउडर का जो है एनुअली जो ग्रोथ हो रहा है कितना हो रहा है, यानी कंपाउंड एनुअली ग्रोथ कितना हो रहा है इनका, 8% से ग्रोथ हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मार्केट में कितना पोटेंशियल है बनाना पाउडर का, क्यों ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स बनाना पाउडर में जो है बहुत सारे रिच न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हम लोग यहाँ पे रिच न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो आपको क्लियर कर दूं कि बनाना में जो है फाइबर हो गया, कार्ब्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन A, B, C, C, ऐसे और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है बनाना पाउडर का ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि इसमें रिच न्यूट्रिएंट्स होता है, इसके अलावा कौन कौन से इंडस्ट्री है जो इसको कंज्यूम कर रही है जिसके कारण इतना ज़्यादा जो है डिमांड बढ़ते जा रहा है। देखिए, यहाँ पे जितने भी बेबी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एनिमल फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके अलावा कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गया, फूड एंड बेवरेज कंपनी हो गया, मेकअप इंडस्ट्री हो गया, तो फ्रेंड्स ये जितने सारे मैं आपको इंडस्ट्री बता रहा हूं, इस सारे इंडस्ट्री में जो है बनाना पाउडर का काफी ज्यादा डिमांड है, क्योंकि बनाना पाउडर एक ऐसा पाउडर है जिससे जो है लग्जरी कॉस्मेटिक आइटम बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे इसलिए बनाना पाउडर का जो है एक्सपोनेंशियली जो है ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये मार्केट कभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड जो है साल दर साल जो है बढ़ती जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें मेडिसिन वगैरह बनती है वहां पर भी बनाना पाउडर का यूज किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बनाना पाउडर कितना ज्यादा डिमांड है। और अगर हम लोग सबसे ज्यादा इंपोर्टर यानी कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंपोर्टर की बात करें तो यहाँ पे 3 कंट्री का नाम आता है। जो सबसे पहला वो नीदरलैंड है, एंड जो दूसरा है जर्मनी, एंड जो तीसरा कंट्री है वो है फ्रांस। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्री है जैसे कि स्पेन हो गया, UAE हो गया, US हो गया, ये सारे कंट्री जो है बहुत मात्रा में बनाना पाउडर का इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझ में आ गया कौन कौन से कंट्री जो है इंपोर्टर है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्या करना, आपको यहाँ बिजनेस स्टार्ट करना और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना है। तो जो भी इंपोर्टर होंगे जिनको डिमांड होगा वो ऑटोमेटिक जो है आपके से कनेक्ट करेंगे। तो याद रखें, कोई बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपके पास में एंड कंज्यूमर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको अगर एंड कंज्यूमर के बारे में नॉलेज है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस बिजनेस को जो है सही तरीके से रन कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आप अगर इस बिजनेस में जा रहे हैं तो आपके कौन कौन से कंपटीटर है। ऐसा तो नहीं है कि बनाना पाउडर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला आप अकेले पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे मैंने कंट्री का नाम बताया वो पहले से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एग्जिस्टिंग जो है अभी बनाना पाउडर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो किस रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको मार्केट कैप्चर करना पड़ेगा, इसके लिए जो है आपको पहले से प्रिपेयर पूरा एक मार्केट स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि आप कैसे जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाएंगे और वहाँ पे आपको कैसे कस्टमर मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ के बारे में जो है आपको अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, पर्सनली जो है आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं हमारे ऑफिस आकर, मैं डेफिनेटली आपको इसमें पूरी तरह से गाइड करूंगा। बट यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कितना ज़्यादा इसका मार्केट साइज है और कितना मार्केट पोटेंशियल है। मार्केट पोटेंशियल से जो है आपको पता चलता है कि इस बिजनेस में जो है कितना आपको जो है ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको सारी चीज़ क्लियर है बनाना पाउडर के बारे में तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे
कि बनाना पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जो है आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास में अराउंड 1000 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। 1000 स्क्वायर फीट एरिया में जो है आपका प्लांट भी सेटअप होगा। इसके अलावा जो है आपको वहाँ पे कुछ 500 स्क्वायर फीट एरिया और भी बढ़ा दीजिए, जहाँ पे कुछ पार्किंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। आपका स्टॉक आएगा उसमें, जो भी आपका रॉ मटेरियल होगा वो स्टॉक आएगा वहाँ पे रखे जाएंगे। इसके अलावा जो है कुछ एडमिन एरिया होगा। तो ये सारे मिला के जो है 1500 स्क्वायर फीट जो है आपको टोटल आपके पास में एरिया होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास में इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, क्योंकि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जो है आप किसी बिजनेस को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट तो चाहिए चाहिए, इसके साथ आपके पास में वर्किंग कैपिटल भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब यही साफ साफ है कि आप फाइनेंशियली पूरी तरह से साउंड होनी चाहिए। और मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है 10 लाख के नीचे भी लगा सकते हैं और 10 लाख के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना पर डे का प्रोडक्शन करना चाहते हैं और किस तरह का प्लांट आप सेटअप करना चाहते हैं। मैनुअली प्लांट भी होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट होता है। तो मैं आपको दोनों के बारे में यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपके पास मार्केट सर्वे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बनाना पाउडर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर रहे हैं तो आप जो है इसको सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि लोकल लेवल पे, यानी कि आपको पैन इंडिया में जो है और भी कहाँ पे बनाना पाउडर का डिमांड है, वहां पर भी जो है आपको समझना पड़ेगा कि आप कहां कहां से इंडिया में ऑर्डर मिल सकते हैं। तो उसके बारे में भी आप सर्वे कर लीजिए। ये सारे जब सर्वे कर लेते हैं ना, तब आपको पूरी कॉन्फिडेंस आ जाती है कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आपके पास में ये तीन चीज है तो फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पे अगर आपको ये तीन चीज क्राइटेरिया क्लियर है, अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे और बात करेंगे यहाँ पे लाइसेंस के बारे में। देखिए, कोई भी चीज का आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस की बात करें तो सबसे पहला जो लाइसेंस है आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बिना जो है आप इस बिजनेस को रन नहीं कर सकते। एमएसएमई के अंदर आता है, क्योंकि लघु उद्योग के अंदर कवर होता है। इसके अलावा जो दूसरा लाइसेंस है, आपको फसाई का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये एक फूड प्रोसेसिंग का आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग सेगमेंट के अंदर जो है आपको फसाई लाइसेंस यहाँ पे स्टेट वाला आपको लेना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटर वाला आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो याद रखें कि यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी जो है आपको जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपको जीएसटी भी यहाँ पे लेना अनिवार्य होगा। और आपको यहाँ पे एक लास्ट लाइसेंस लगता है आपका, जो भी रेस्पेक्टिव म्यूनसिपलिटी अथॉरिटी होगा वहां से जो है आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप ये सारे लाइसेंस को लेके जो है आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पूरा लाइसेंस क्लियर है तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको रॉ मटेरियल कौन कौन से लगने वाला है। देखिए, रॉ मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपका जो रॉ मटेरियल है, रॉ बनाना, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कच्चा केला आपको एज ए रॉ मटेरियल आपको लगने वाला है। उसी कच्चे केले को जो है यहाँ पे प्रोसेस करके हम लोग बनाना पाउडर बनाते हैं, यानी केला का पाउडर हम लोग तैयार करते हैं। देखिए, यहाँ पे केला का पाउडर तैयार करने के लिए आपको उसको छिलके को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि जो छिलका होगा वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फ्रेंड्स, छिलका का भी पाउडर जो है बनाया जाता है, और उस पाउडर को आप मार्केट में बेचेंगे तो आपको 60 रुपए पर केजी के हिसाब से जो है आपको रेट मिल जाता है। तो यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक कहावत है ना कि आम के आम और गुठलियों का दाम, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वही चीज होने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो केला है वो भी यूज हो रहा है और उसका जो छिलका है वो भी यहाँ पे जो है आप मार्केट में सेल करके उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी वेस्ट आपका होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है आपको क्या लगने वाला, कच्चा केला। इसके बाद जो है आपको जो कच्चा केला का आप पाउडर बनाएंगे उसको पैक करने के लिए यहाँ पे जो है आपको एक पैकेजिंग मटेरियल लगेगा। तो पैकेजिंग मटेरियल भी आपको परचेस करना पड़ेगा, लेबलिंग मटेरियल भी जो है आपको परचेस करना पड़ेगा। तो ये सारे जो है आपको रॉ मटेरियल में यहाँ पे लगने वाले हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि अभी करंट में क्या रेट चल रहा है कच्चे केले का, देखिए इसका जो रेट है ना, डे बाय डे फ्लक्चुएशन होता है। जैसा मंडी का रेट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये फ्लक्चुएशन होते रहता है। तो याद रखें कि फ्रेंड, 30 रुपया, 40 रुपये, 50 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है आपको कच्चा केला देखने को मिलता है। तो आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं और वहां पर क्या रेट चल रहा है वो आपको उसके अकॉर्डिंग परचेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप एक बार जो है 100 केजी आप केला परचेस करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके देख सकते हैं। आप अगर इसका अगर एज ए फ्रेशर आप इसमें एंट्री करें तो यहाँ पे एज ए टेस्ट करने के लिए आप इस बिजनेस में एज ए एंट्री मार्क सकते हैं। यहाँ पे 100 केजी आप बनाना परचेस करके, 100 केजी का बनाना परचेस कीजिए, उसको प्रोसेस करके पाउडर तैयार कीजिए और उसको सेल करके आप देखिए, तब जो है आपको समझ में आएगी कि ये बिजनेस किस तरह से है और आपको किस तरह से प्रॉफिट देकर जाता है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलता कि आप अचानक से इसका पूरा प्लांट सेटअप कर लीजिए और इसके बाद जो है आपको पता चले कि आपके पास में एंड कंज्यूमर नहीं मिल पा रहा है और फिर क्या होगा, फाइनली आप पूरी तरह से जो है हेल्पलेस फील करेंगे और आपको बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो कृपया करके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मैंने बताया सर्वे कीजिए। अगर सर्वे नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक छोटे लेवल पर स्टार्ट कीजिए ताकि आपको भी जानकारी मिल पाए कि ये बिजनेस किस तरह का है। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है?
अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मशीन की, आपको कौन कौन से मशीन जो है यहाँ पे बनाना पाउडर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको लगने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर मशीन की बात करें तो सबसे पहला जो मशीन है आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैकेट वेसल आपको लगने वाला है। तो इस तरह का जो है एक जैकेट वेसल होता है, ये सबसे पहला मशीन आपको लगेगा। इसके बाद जो है फ्रूट वॉशर, जो भी बनाना आप रॉ बनाना परचेस करेंगे कच्चा केला, उसको आपको जो है क्या करना पड़ेगा, धोना भी पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है फ्रूट वॉशर जो है आपको परचेस करना पड़ेगा। इसके बाद जो तीसरा मशीन है आपको स्लाइसर मशीन परचेस करना पड़ेगा। जो कच्चा केला होता है, जो कि आप प्रोसेस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कच्चे केले का क्या करना, छिलका निकाल कर जो है उसको स्लाइस जो है आपको कटिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आपको स्लाइसर मशीन जो है यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये जो है आपका तीसरा मशीन होगा। इसके बाद जो है आपको पल्वराइजर, यानी कि फ्रेंड जो कच्चा केला होगा उसको आपको ड्राई करना पड़ेगा, यानी सुखाना पड़ेगा। आप धूप में भी सुखा सकते हैं, आप ड्राइवर भी परचेस कर सकते हैं। धूप में सुखाने के बाद जो है उस कच्चे केले को क्या करना है आपको, यहाँ पे पल्वराइज करना, यानी कि उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये पल्वराइजर मशीन जो है आपको उसकी लगे, यहाँ पे जो है फाइनल आपका फूड प्रोसेसिंग होता है। तो यहाँ पे जब आपका हो जाएगा तो इसके बाद जो है आपको ड्रायर भी लगेगा, जिससे जो पाउडर बनेगा उससे पूरी तरह से मॉइस्चर जो है उससे हट सके। तो इसलिए यहाँ पे ड्रायर का यूज किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, टू रिमूव और रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट इन नट्स दिस ड्राई इज यूज, है ना। यानी कि फ्रेंड्स मॉइस्चर हटाने के लिए इस ड्रायर का यूज किया जाता है, ड्रायर मशीन यहाँ पे लगने वाले। तो यानी फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल जो है आपको 6 मशीन लगने वाले हैं, और यहाँ पे जो है आपको एक पैकेजिंग मशीन भी लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछेंगे सर ये सारे मशीन का प्राइस क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो टोटल मशीन का प्राइस है आपको 14,20,000 रुपये जो है आपका लगने वाला है। ये जो मशीन का प्राइस मैंने हायर साइड कंसिडर किया है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे इंडिया में स्टेट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस है। तो हो सकता है कि आपको पता नहीं कौन सा सेलर मिले कितना प्राइस में प्रोवाइड करे, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे हायर साइड कंसिडर किया है। तो यहाँ पे जो भी प्राइस मैंने मशीन का दिखाया है इसमें आपका जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सिमेट जो है 15 लाख का कंसिडर कर लेते हैं, 15 लाख में जो है आपका पूरा मशीन आता है, और उस मशीन को पूरा सेटअप करके जो है आप एक बनाना पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप जो है ओपन कर पाएंगे। और इसके अलावा जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोसेस समझना पड़ेगा कि प्रोसेस किस तरह से होता है। तो प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको पूरा क्लेरिफाई कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत प्रकार के बनाना होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे केले की बात करें तो हर एक वैरायटी का केला होता है, तो कौन सा वैरायटी का केला आप यूज करें वो आप पे डिपेंड करता है। आपके एरिया में जो भी बनाना अवेलेबल है आप उसी बनाना का यूज करें यहाँ पे पाउडर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ऐसे अगर हम बात करें टाइप ऑफ बनाना में तो बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर हम पहले बात करें तो जैसे रेड बनाना होता है, पोबम होता है, रोबोस्टा होता है, रसथाली होता है, इसके अलावा जो है नेवी पोबम होता है, अर्धानपुरी होता है, बसराई होता है, करापुल वली होता है। तो ऐसे कई प्रकार के जो है केले जो है अपने इंडिया में पाए जाते हैं मतलब होते हैं। तो आपके एरिया में जो भी बनाना अवेलेबल आप उसी बनाना को प्रोसेस करके जो है आप पाउडर यहाँ पे तैयार कीजिए। तो यहाँ पे सारा जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लिखा हुआ है। जैसे कि पहले जो है यहाँ पे केला को लेना है, केला को पहले इंस्पेक्शन करना, यानी कि पहले बनाना का इंस्पेक्शन होगा, जो अगर खराब होगा तो उसको हम लोग हटा देंगे, यानी कि उसका सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग होने के बाद उसको केले को पूरे को वॉश किया जाता है, फिर उसके बाद पीलिंग, यानी उसके केले के छिलकों को हटाया जाता है। केला को छिलके को तभी हटा पाएंगे जब आप कच्चे केले को जो है पानी में आप कम से 5 से 6 मिनट रखेंगे। तो उसके बाद जो है केले का जो छिलका होता है ना वो बहुत जल्दी यानी कि आसानी तरीके से वो हट जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको हम लोग स्लाइस कटिंग करते हैं। केले के छिलके छिल देंगे, उसके बाद जो है उसको स्लाइस कटिंग करना पड़ता है। स्लाइस कटिंग करने के बाद जो है उसको सुखाना पड़ता है। तो सुखाने के लिए यहाँ पे ड्रायर का यूज कर सकते हैं, सनराइज का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे सुखाने के लिए। तो आप 2 से 3 दिन अगर सनराइज में सुखाएंगे तो 2 दिन भी लग सकता है, ड्रायर में सुखाएंगे तो आपका हार्डली 30 से 1 घंटा, मतलब कि 30 मिनट से लेकर 1 घंटा के बीच में आपका लगने वाला है। तो सुखाने के बाद जो है उसको पल्वराइजिंग करेंगे, यानी कि फ्रेंड्स उसको जो है हम लोग ग्राइंड करेंगे पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करने के बाद फिर से जो है ड्रायर के प्रोसेस के थ्रू उसको पास किया जाता है, ताकि उसका जितना मॉइस्चर है वो जो है हट सके। वो मॉइस्चर जब हट जाता है तो उसके बाद जो है उसको पैकेजिंग मशीन के थ्रू जो है उसको पैक करके जो है उसको मार्केट में सेल करने के लिए आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा क्लियर है तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे कि अभी के समय में अगर हम इसका बनाएंगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि कच्चा केला को अगर आप मार्केट से परचेस करेंगे तो आपको 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया, इस तरह से वैरी रेट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक हायर साइड हम लोग पकड़े चलते हैं 50 रुपया। तो 50 रुपया यहाँ पे अगर हम लोग पकड़ते हैं तो यहाँ पे 1 kg कच्चा केला का प्राइस 50 रुपया है। और मैं आपको बता दूं कि 1 kg पाउडर बनाने के लिए आपको 4 kg जो है रॉ बनाना लगने वाले हैं। तो कच्चा केला 4 kg आपको परचेस करना पड़ेगा 1 kg का पाउडर तैयार करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर 50 रुपया भी केले का प्राइस है तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया 4 kg का, 5×20 यानी कि 200 रुपया आपका यहाँ पे
कच्चा केला का आपका प्राइस यहाँ पे लग गया। इसके अलावा जो आप प्रोसेसिंग करेंगे केला को, तो उसमें जो है यहाँ पे 10 रुपया आपको पर के जी कॉस्ट में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 10 रुपये कंसिडर करते हैं, तो 210 रुपये जो है आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, यानी कि 210 रुपये में जो है आपका 1 kg का पाउडर आपका यहाँ पे बन रहा है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? 200 रुपये आपका रॉ मटेरियल लगा, 10 रुपये मैंने क्या कंसिडर किया, प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे दोनों को मिलाकर जो है आपका 1 kg का पाउडर तैयार हो रहा है। यहाँ तक किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको प्राइस क्लियर हो गया कि 1 kg जो आपका बनाना पाउडर है 210 रुपये में तैयार हो रहा है। तो इस पाउडर को मार्केट में कितना में सेल कर पाएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मिनिमम जो मार्केट प्राइस है ना वो 800 रुपये पर केजी है। कितना है? 800 रुपया पर केजी है। और मैक्सिमम जो है यहाँ पे 1100-1200 रुपया 2000 रुपये पर केजी में देखा हूँ मार्केट में। तो आप पे डिपेंड करता है कहाँ पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। आप वैसे कंट्री में आप उसका सप्लाई किया, डेफिनेटली आपको इसका अच्छा रेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो भी मैंने रेट कंसिडर किया था 210 रुपया, उसमें मैंने प्रोसेसिंग और यहाँ पे जो है आपका रॉ बनाना का आपका जो है प्राइस मैंने कंसिडर किया था। उसके अलावा जो है पैकेजिंग मटेरियल का भी आपको उसमें प्राइस कंसिडर करना पड़ेगा। जिस तरह का आप पैकिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल का आपका प्राइस लगने वाला है। तो आप पे डिपेंड करता है, 10-20 रुपये जो है आगे पीछे यहाँ पे हो सकता है। तो आप सोचिए अगर मैं 250 रुपये भी पकड़ूंगा, मैं यहाँ का हायर साइड लेके चल रहा हूँ कि 250 रुपये आपको पर केजी बनाने में यहाँ पर कॉस्टिंग आ रहा है, उसको आप 800 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कितना आपको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। 300 गुना, 400 गुना, 500 गुना भी प्रॉफिट लोग अर्न कर रहे हैं बनाना पाउडर को सेल करके। आप सिर्फ जो है गूगल कीजिए, ऐसा बात नहीं कि मेरी बात को विश्वास कीजिए, आप गूगल कीजिए आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉस्टिंग बताया कि कितना आपको कॉस्ट आ सकता है। इसके अलावा जो भी आपका बनाना का जो छिलका होता है ना, उसको भी सुखा के आप पाउडर तैयार कीजिए और उस पाउडर को भी जो है मार्केट में आप 60 रुपये पर केजी के हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। तो आपका जितना छिलका हो रहा है, यानी कि जितना भी वेस्ट हो रहा है, उसको भी जो है आपको दाम मिल जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका एक अलग बोनस पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है कि वेस्ट मेटल का भी जो है आपको यहाँ पे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको उसको मार्केट में सेल करें तो उसका भी जो है आपको दाम मिल जा रहा है। तो मैंने उसका प्राइस कंसिडर नहीं किया। इसके अलावा जो है आपने कॉस्मेटिक में बनाना फेशियल किट का नाम सुना होगा, बनाना फेशियल किट भी आता, तो उसमें बनाना का कंटेंट कितना होता आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो है एक मॉइस्चर क्रीम भी जो है बनाना का आता, आप नेट पर सर्च कीजिएगा, आपको सारी चीज मिल जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ सारी चीज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बनाना पाउडर से बने हुए बहुत सारे जो है कॉस्मेटिक के आइटम जो है सेल किए जाते हैं, जो कि जिसका प्राइस काफी ज्यादा होता है। प्राइस ज्यादा आपको वहाँ पे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली जो है कहीं ना कहीं बनाना पाउडर महंगे में बिक रहा होगा, तभी जो है इसका प्राइस जो है आपको महंगा मिल रहा होगा। तो आपको भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी बिजनेस को सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बनाना पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये जानना है कि आप बनाना पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करके महीने में कितना कमा सकते हैं, तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप पूरे महीने भर में कितना क्वांटिटी आप जो है बनाना पाउडर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक लमसम फिगर निकाल कर देखें, तो या आपको क्लियर कर दो कि आप जो है 3-4 लाख रुपए जो है आप पर मंथ का आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे एंड कंज्यूमर ज्यादा होगा, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको इस बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा कि बनाना पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी लाइसेंस चाहिए, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाहिए, GST चाहिए, ट्रेड लाइसेंस चाहिए या फसाई रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो है पूरी तरह से जो है आपको ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।